दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी का आज का एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड के दौरान घर के अंदर जो है अदनान शेख की वाइल्ड कार्ड एंट्री दिखाई जाने वाली है। दरअसल इससे पहले बिग बॉस घर के सभी कंटेस्टेंट्स को जो है पर्सनल में मैसेज करके बताएंगे कि घर के अंदर नए सदस्य के आने का वक्त हो चुका है। और ये सुनकर घर के सभी कंटेस्टेंट को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर कन्फेशन रूम के जरिए अदनान की एंट्री होगी, जहाँ घर के सभी कंटेस्टेंट को बिग बॉस लिविंग एरिया में बैठने का जो है आदेश देंगे, और इसके बाद अदनान की एंट्री को दिखाया जाएगा। अदनान की एंट्री से पहले जो है कन्फेशन रूम में बिग बॉस कई सवाल जवाब करने वाले हैं, और यहाँ पर अदनान के आने का जो असली मकसद है उसके बारे में पूछताछ होगी। और इस दौरान जो है अदनान बताएंगे कि मेरे आने का बस एक ही मकसद है, अपने दोस्त को कटारिया से सेव करना, क्योंकि वो जो कटारिया है वो मेरे दोस्त विशाल का यूज़ कर रहा है, क्योंकि विशाल को जो चांटा पड़ा था उसकी पूरी की पूरी जो वजह है वो कटारिया है। उसी ने जो है अरमान को बोला था कि अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो अब तक तो रेप्टे उड़ जाते, जिसके बाद में जो है अरमान मलिक ने विशाल के गाल पर तमाचा मारा था। और दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर घर के अंदर जो है यहाँ अदनान शेख की एंट्री होगी, और अदनान की एंट्री होने के साथ ही कटारिया के साथ 36 का आंकड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कटारिया कहेगा कि तू बहुत गलत बोल गया है, ठीक है, फालतू ऐसे छोटी मोटी बातों को ना ऐसे हवा बना के मत बोला कर। जिसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अदनान भी कहेगा कि तू इतना गर्म क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत बोला, और कटारिया भी कहेंगे कि तूने गलत ही बोला है, ठीक है, गलत बोलेगा तो गलत बोलूंगा मैं। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोनों जो है एक दूसरे से टकराने के लिए अब बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। फिलहाल तो दोस्तों, आप इस एपिसोड को सीन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।